यूट्यूब पर टाइप करें ट्रिब्यून हिंदी और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान tribunehindi.com में हाजिर हूँ और मेरे साथ हैं नेहा सिंह जी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव हैं और आपका भी फिलहाल में मंडला लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही आप सुनी में केवलारी से पूर्व विधायक रह चुकी हैं सन 1990 के दौरान, आपका एक लंबा अनुभव है। आइए हम आज बात करेंगे नेहा सिंह जी से, उनके जो नए प्रभार मिला है उसके ताल्लुक से और राजनीतिक गतिविधियां जो इनकी रही हैं और पुरानी जो राजनीति है उसका और आज की राजनीति में जो ऐसे बहुत से चीजें हैं जिन पे हम इनसे बात करेंगे। नेहा सिंह जी, आपका स्वागत है tribunehindi.com में। मेरा पहला सवाल है कि आपको एक नई जिम्मेदारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दी है, बड़ी लोकसभा मानी जाती है मंडला, फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय स्तर के आदिवासी नेता है भाजपा के अंदर, तो कैसे आप मंडला में डील करेंगी वहां पे किस तरीके से, क्योंकि पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए आपको उस लोकसभा का प्रभारी बनाया है, तो क्या लगता है आपको इस बड़ी लड़ाई में किस तरीके से आप वहां डील करेंगी? चुनौती तो बहुत बड़ी है और इस चुनौती को हम सब कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि हमने जैसी अभी रणनीति बना के जितनी मेहनत से ईमानदारी से विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनाई, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस चुनाव में केंद्र में भी अपनी सरकार बनाए और इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश की कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने हमारे उनके साथ में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जो मध्य प्रदेश के प्रधान श्री दीपक बावरिया जी, उन लोगों ने मुझ पर विश्वास करके, पहले मेरे पास बालाघाट का काम था और बालाघाट में विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में मुझे मुकदमा दिया गया। उसके बाद मुझे इस बात की खुशी है कि उनका मेरे ऊपर विश्वास कायम रहा और उन्होंने मुझे भी एक नया काम दिया, मैं उन दोनों का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि मंडला में भी हम अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। मंडला लोकसभा इसलिए भी जानी जाती है कि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो वो सीट कांग्रेस के पास आ चुकी थी और उस दौरान जो उसके पहले का जो टर्नआउट था उस दौरान जो नोट के बदले वोट जो कांड हुआ था बहुत फेमस हुआ था, उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम आया था और उन्होंने नोट संसद में ऐसे उछाले थे जिसको, हाँ, तो अभी वो वहां से सांसद है, ऐसा माना जाता है कि बहुत ही कद्दावर आदिवासी नेता है और विधानसभा में जो अभी रिजल्ट आए हैं उसके बाद विधानसभा के टोटल वोट में उस मंडला लोकसभा का की जो उनकी लीड थी वो लीड कम हुई है विधानसभा चुनाव में, तो आपको लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आप इस बड़े उम्मीदवार के लिए वहां पे कुछ बड़ी ऐसी तैयारी कर पाएंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपकी उस बात के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगी कि जब उन्होंने संसद में वोट लहराए, ये एक बहुत समझदारी का मतलब यह कहना कि राजनीति के जिस मुकाम पर वो है, फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी 1990 में मेरे ही साथ राजनीति शुरू की, हम और फग्गन सिंह कुलस्ते एक साथ ही विधानसभा में चुनके पहुंचे, मुझे उस समय के फग्गन सिंह कुलस्ते भी याद हैं जब वो मेरे साथ थे और आज, लेकिन पार्टी के आदेश पे किसी की सलाह पे मुझे नहीं लगता कि फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने मन से ऐसा कुछ किया होगा। ये स्ट्रेटेजी है किसी पार्टी को बदनाम करने की, किसी के ऊपर तोहमत लगाने की, क्योंकि बाद में वो सारों को ना तो साबित कर पाए ना वो उस नोट लहराने की वाजिब तरीके से उसको पुख्ता तौर पर पेश कर पाए, सिर्फ एक अपनी पार्टी में अपनी गिरती हुई साख को बचाने का तरीका था कि मैं इतना बड़ा वजनदार हूँ तो मेरे को इतना बड़ा प्रलोभन दे रहा। वो प्रलोभन अगर आपको देने लायक कि आप होते तो आज आपकी वोट परसेंटेज कम नहीं होती, दूसरी बात आप वो प्रलोभन आपको कोई क्यों देगा और वो आप कोई 5-6 लोकसभा प्रभावित कर रहे थे कि आप 8-10 सांसदों को प्रभावित कर रहे थे, एक अकेले फग्गन सिंह कुलस्ते जी को प्रभावित करके कोई पार्टी क्या पाले, ये एक दलील है, मेरी तर्क है, इसका जवाब भी शायद उनके पास नहीं होगा कि केवल एक सांसद, किसी एक ने ये भी बोला था कि उनको फोन करके संपर्क किया गया, वो भी आजकल तो सब कुछ साबित करना पड़ता है, सारे फोन कॉल रिकॉर्ड सामने पेश आ जाते हैं, वो भी इस बात को साबित नहीं कर पाई मैडम कि उनको किसने फोन किया, क्यों फोन किया, कब फोन किया, कितने बजे फोन किया, फोन करने वाले की आवाज। और दूसरी बात ये है कि ये अपनी पार्टी में अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए कि मुझे प्रलोभन दिया और देखिए मैं आपके पास अभी तक डटा हूँ, ये तो कोई मतलब बहुत छोटी राजनीति का तरीका है।
हाँ हम ये मानते हैं कि फगन सिंह जी जो है वो मंडला क्षेत्र के या सिवनी क्षेत्र आदिवासी नेतृत्व के तौर पे उनको आदिवासियों ने विश्वास दिया, परंतु वो बदले में वो सब कुछ नहीं दे पाए जिसकी अपेक्षा थी कि एक आदिवासी नेतृत्व होने के नाते वो जो जो कुछ दे सकते हैं। उनको मंत्री पद भी दिया, राज्य मंत्री बनाया स्वास्थ्य विभाग का, पर क्या डेवलपमेंट हुआ अपन खुद जाके देख सकते हैं कि कितने अस्पताल, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कितना डेवलपमेंट। ये सब कागजी खाना पूरी है, पूरी है। उन्हें अपना समय निकाल लिया, उनको जो काम का अवसर मिला था उसका ना तो खुद लाभ ले सकी और खुद ने लिया भी होगा तो नहीं मैं जानती, परंतु जनता को तो और क्षेत्र को तो कोई लाभ नहीं दे सकती। मेरा अगला सवाल, चूंकि आप 1990 के दौर में आपने राजनीति की है, 1990 के दौर में आप विधानसभा चुन के गए, वो दौर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का दौर माना जाता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले की जो मतलब जो पहले का जो समय था उस समय की राजनीति में और वर्तमान राजनीति में क्या फर्क देखती हैं आप? ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं भी जब कभी बैठ के पुरानी बातें सोचती हूँ मुझे इतना बड़ा एक अंतर समझ में आता है। ये सिर्फ इसको जनरेशन गैप नहीं मान सकते, ये बहुत सारे बाहर का एक प्रदूषण है, एक वायरस है जो सबके दिमागों पे हावी हो गया है। मानसिकता बदल गई है, लोगों की सोचने के तरीके बदल गए हैं। पहले राजनीति में एक सम्मान होता था, मर्यादा होती थी, विपक्ष है तो भी उससे क्या हो गया, अगर सीख सकते हैं तो विपक्षियों से भी सीख जाता है। पर अब जो है राजनीति में विपक्ष को दुश्मन समझा जाता है, नफरत की जाती है, जातियों में नफरत की जाती है। पहले ये सब नहीं होता था। मुझे याद है जब मैं पहली बार विधानसभा में पहुंची, वो विधानसभा की गरिमा जैसी गरिमा उसके पहले या उसके बाद इसलिए दृष्टिगोचर नहीं होती क्योंकि उस विधानसभा में 3 पूर्व मुख्यमंत्री बैठते थे, श्यामाचरण शुक्ल जी, मोतीलाल वोरा जी और कुछ समय अर्जुन सिंह जी। उसके बाद अर्जुन सिंह जी फिर पंजाब के गवर्नर बन के गए, पर 6 महीने वो भी विधानसभा के सदस्य रहे। और उस विधानसभा के पर्व की मैं साक्षी हूँ कि जहाँ इतने बड़े बड़े लोग साधारण विधायक बन के बैठे हों, उन लोगों ने उनका इतिहास और वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ का सारा कुछ इतिहास पढ़ने पे सीखने को मिलता था। मुझे लाइब्रेरी में अक्सर ये लोग मिला करते थे और मुझसे कहते थे कि पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगी उतनी अच्छा बोलेंगी, एक ओरेटर को पढ़ना चाहिए, आप रोज स्टडी करके विधानसभा आया करिए, एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी। मैं देखती थी कि विधानसभा 10:30 बजे पहुंचना है, अगर 9:30 बजे हम लोग लाइब्रेरी खोलते थे तो मोतीलाल वोरा जी, श्यामाचरण शुक्ल जी, अर्जुन सिंह जी की गाड़ियां भी आगे ले जाती थी और वो भी लाइब्रेरी में मुझे कहीं ना कहीं संदर्भ शाखा होती है, वहाँ आज आने वाले सब्जेक्ट के बारे में जानकारी की, इस सब्जेक्ट में पिछले 20 साल पहले क्या हुआ था, संदर्भ शाखा से सारी चीजें मिल जाती, वो मुझे संदर्भ शाखा में रोज आने वाले सब्जेक्ट की तैयारी करती हुई मिलती। आज वो चीज नदारद है, लोग क्वेश्चन आवर में सिर्फ केवल हाजिर बजाने जाते हैं, हमारा नाम अखबार में आ जाए कि हमने क्या प्रश्न उठाया, उस प्रश्न की सप्लीमेंट्री तक नहीं पूछते, पूरा सही जवाब भी नहीं देते। दूसरी चीज ये है कि पूरे विधानसभा में व्हिप का काम होता है कि सदस्यों को मौजूद रखे, तो जब जरूरत होती है तभी उपस्थित होते। क्या विधायक का काम सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग करा था? मंत्रियों के यहाँ पर खड़े होकर ट्रांसफर पोस्टिंग की दरखास्त देते रहते, पूरा समय निकल जाता है, परंतु क्षेत्र के विकास के लिए मांगों का कब हो रहा है, वर्ल्ड बैंक से कौन सा फंड आने वाला है, हम अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या सामान ला सकते हैं, हम बजट के पेश होने के पहले क्या क्या काम जुड़वा सकते हैं, इस बात की चिंता करना चाहिए एक जिम्मेदार विधायक को। परंतु अभी मैं देख रही हूँ कि यह तो विधायक की बात तो बहुत दूर की बात है, आम राजनीति में भी मर्यादा सम्मान जैसी चीजें नदारद है, खोजने से भी नहीं मिलती। मेरे घर में ये चर्चाएं होती हैं, मेरे ससुर स्वर्गीय दादू योगेंद्रनाथ सिंह जी 1962 में राम राज्य परिषद से विधायक थे, उनका विधानसभा क्षेत्र भी वही था जहाँ से मैं चुनाव लड़ी। फर्क ये है कि उसको पहले भोमा विधानसभा कहते हैं, बाद में केवलारी, वहां पर भी 70 में जो डिलिमिटेशन हुआ 71 में नाम बदला। 1967 में विमला वर्मा जी ने वहां से पहली बार चुनी। हमारे ससुर के, हमारे परिवार के, दादू परिवार के विमला वर्मा जी के पिताजी के जमाने से पुराने संबंध है पारिवारिक, उनको अपनी छोटी बहन मानी थी। जब ये लोग जाते थे गांव में तो एक राम राज्य परिषद का कैंडिडेट, एक कांग्रेस का कैंडिडेट, और वो अच्छा विमला तुम यहाँ आई हो, देखो तुम गांव में इस तरफ से जनसंपर्क शुरू करो,
मैं इस तरफ से आता हूँ, तुम भी सब लोगों से मिलके यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ से, और रात अगर हो जाए तो रुकना, हम लौटेंगे हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ जाना, यहाँ खाना बन रहा है, खाना खा के जाना, सब हमारे कार्यकर्ताओं को भी बोल दो कि वो लोग खाने के लिए आए। यानी एक ये परस्पर सद्भाव होता था, वो कहते हैं कि हाँ भैया बोलिए भैया आपका काम कहाँ चल रहा है, ऐसा चल रहा है एक दूसरे के प्रति सद्भाव सम्मान। और आज अगर देखा जाए तो अगर ऐसा आमना सामना हो जाए तो टकराव की स्थिति बन जाती है, टकराव की, संघर्ष की स्थिति, दुर्व्यवहार की स्थिति, अपशब्दों की स्थिति, अपशब्दों की तो कमी ही नहीं है, अपशब्द तो इतने इफरात में मिल रहे हैं कि आप एक सोचेंगे सामने से 25 मिलेंगे, तो वो कमी ही नहीं है। पर पहले ये सब नहीं होता था, पहले मैं भी देखती थी कि हम लोग राजनीति में चुनाव उनाव में जाते थे प्रचार करने, दूसरे जगहों पर भी हम लोगों की ड्यूटी लगती थी, पाली फिर सिंगपुर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, लांजी में बाई इलेक्शन हुआ, वो एक कैंडिडेट निर्दलीय था, फिर उसने पार्टी ज्वाइन की तो वहाँ पर बाई इलेक्शन, हम लोग आपस में मिलते थे, चाय पीने बैठे हैं साथ में, भैया खाना बन रही हूँ खाना खा लूँ, आज कैसा चल रहा दिन भर, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने पास दवाई तो अपन ने दे दी, ये नहीं सोचते थे कि बीमार है तो कल काम ना करे, उसको दवाई देके भैया ठीक रहो स्वस्थ रहो जब भी काम करना करो, पर पहले बड़ा एक सद्भाव होता था। अच्छा, जैसा कि सोशल मीडिया में आप बहुत सक्रिय हैं और सोशल मीडिया का एक बहुत ही एक अजीब माहौल ट्रोलिंग का बना हुआ है, तो मैं उस नजरिए में पूछना चाहूंगा कि अगर सोशल मीडिया उस दौर में होती तो क्या होता। उस दौर का सोशल मीडिया इतना बिलो स्टैंडर्ड नहीं था, मतलब क्योंकि सामाजिक जो कल्चर है हमारा जिस समय का, उसमें जो वातावरण चल रहा है वो भी बदल के हमारे पास आता है। देखिए, हम राजनीति में किसी कार्यकर्ता को बुरा नहीं कहते, हम राजनीति में एक लड़का जा रहा है, दूसरा लड़का किसी सर्विस में जा रहा है, तीसरा लड़का कहीं व्यापार कर रहा है, हम उसको परिवार में जो दे रहे हैं वही वो सीख रहा है। मतलब सोशल मीडिया में जिस तरीके की लैंग्वेज यूज हो रही है वो परिवारों में हो रही है, इसीलिए बच्चे वो सीख रहे हैं, और बच्चे जो सीख रहे हैं वही अपने भाई बहनों को देख रहे हैं, जो आज लड़का 23 साल का सोशल मीडिया में सक्रिय है वो दिन रात उसको पढ़ रहा है, जब उसके घर का बच्चा बड़ा होता है वो अपने पापा का फेसबुक उठा के अकाउंट खोल के देखेगा तो उसको जब भी मिलेगा तो सीख क्या मिलेगी, वो भी अपने घर का वातावरण में उसी हंसी मजाक में उसी टोन में उसी लैंग्वेज को यूज करेगा तो वही असर पड़ेगा। जो समाज से मिल रहा है वही बाहर झलक रहा है, समाज में अगर मर्यादा होगी तो बाहर भी मर्यादा होगी, समाज में भी तो मर्यादा खत्म होगी, कौन किसकी इज्जत कर रहा है। हाँ, मतलब जिस तरीके की बयानबाजियां होती हैं आजकल दोनों एक दूसरे के तरफ से, मतलब किसी भी पार्टी में, ये आजकल मतलब पुरानी राज की राजनीति में फर्क दिखाता है। बस एक जो मैं अब थोड़ा सा हटके सवाल करूंगा, क्योंकि पुरानी राजनीति और आज की राजनीति में हमने फर्क देख लिया, अब हम बात करेंगे इस क्षेत्र की जिस क्षेत्र से आप हैं, सिवनी जिला। सिवनी जिले में विकास का भारी अभाव देखा जाता है, आपका मेरा ऐसा मानना है कि अब चूंकि पहले पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो कांग्रेस के नेता काफी इस मामले में एक्टिव होकर कहा करते थे कि जब तक विमला वर्मा थी तो हमने जिले में विकास देखा, बहुत सी चीज देखी, अब कांग्रेस की सरकार आ गई है तो क्या लगता है आपको कि चूंकि यहाँ से कांग्रेस के विधायक नहीं है सिवनी से, तो क्या कांग्रेसी नेता खुद से आगे बढ़ के सिवनी के विकास के लिए कुछ कोशिश करेंगे। सिवनी के लोग जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि सिवनी तो अभी उस मुकाम पे पहुंचा ही नहीं है जहां हमारे आसपास के जिले पहुंच चुके हैं, हम उनसे बहुत पीछे हैं, और वो जो पिछले 20 सालों से जो घाटा हुआ सिवनी का कि हमारा विधायक नहीं, हमारा सांसद नहीं वगैरह वगैरह, तो अब हमको एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में मिला है जिसके सामने एक विजन है, विजन मतलब एक पूरा ब्लू प्रिंट है कि वो अपने प्रदेश के प्रत्येक जिले को कहाँ किस तरह से ले जाना चाहते हैं। तो उस दौर में हम आए हैं जहाँ छिंदवाड़ा का विकास हमने देखा ही है, तो जो व्यक्ति ने ये सपना देखा हो छिंदवाड़ा के लिए उनकी आंखों को सपना देखना आता है, वो उनको सपनों को पूरा करना भी जानती हो, तो ऐसा व्यक्ति जब हमारा नेतृत्व तो कर रहा है तो सिवनी के लिए हमारे यहाँ के नेता भी सब डिमांड करेंगे। हम चाहते हैं कि जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि आम आदमी की ये सोच, मेरे घर में एक बाई काम करती है, उसने कहा भाभी जी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो फिर कमलनाथ जी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन कंप्लीट करा दें, एक आम आदमी की सोच है कि बड़ी रेल लाइन आ जाए, जब वो देख रहे हैं छिंदवाड़ा में 3-3 जगह की रेल लाइन जुड़ रही है तो सिवनी के लिए भी उनके मन में इच्छा होती है ये भी ब्रॉडगेज, और उनकी एक्सपेक्टेशन देखी कमलनाथ जी से,
कि वो कमलनाथ जी जब ऐसा कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो सपने हैं शिवनी के वो जरूर पूरे होंगे। अभी हमको बहुत सारा काम करना है, बेंच की माइनर पूरी करनी है, लखनऊ दौन से लेके शिवनी और बरघाट और हमारा ये लाल माटी वाला क्षेत्र पूरा फुलारा और यहाँ सुतरा से लेके यहाँ कलगुड़ी तक का जितना है हिस्सा, यहाँ सिंचाई की बहुत साधनों की जरूरत है, इन सबको भी हमें पूरा करना है। गाँव गाँव में छोटे तालाब हो, नेटवर्क पूरा जाल बिछ जाए नहरों का, ताकि हमारा किसान संपन्न हो, बेरोजगारों के लिए। छिंदवाड़ा में अगर 6 कॉल सेंटर होते हम कमलनाथ जी से कहेंगे 3 कॉल सेंटर तो खुलवा दीजिए सिवनी में, कि कम से कम लोगों को रोजगार मिले, रोजगार के भी कुछ साधन बने, रोजगार के साधन बने, बेरोजगार लड़कों को काम मिले। हमारे यहाँ इफरात में जंगल है, हमारे यहाँ हरा भरा मामला हो रहा है, सागौन की लकड़ी है, बांस है, हम कितने तरह के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनसे फैक्ट्रियां खोल सकते हैं। हमारे यहाँ के हरा भरा मामला का उपयोग हो, चमड़े का पॉलिश बनाने का उपयोग हो, आगरा में और कानपुर में जहाँ लेदर इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पॉलिशिंग की जाती है, हम भी अपने यहाँ पर पेपर फैक्ट्री, हमारे यहाँ का बांस नेपा नगर में और दूसरी जगहों पर अमलाई पेपर मिल में जाता होगा, हम भी चाहते हैं कि छोटी छोटी सी फैक्ट्रीज हमारे यहाँ पे भी बने। मतलब 500 800 2000 4000 लड़कों को रोजगार मिलेगा। तो हमारे प्रदेश में के अलावा सिवनी जिले की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ी समस्या हमारी है। बात होती है राजनीति में अनुभव की, चूंकि आपका एक खासा अनुभव रहा है राजनीतिक पारी, आपकी काफी बड़ी राजनीतिक पारी रही है, तो मैं जानना चाहूंगा वो कौन कौन से पद हैं या राजनीतिक सफर जो आपका रहा है उसमें आपने किन पदों पर कार्य किया है। मेरे राजनीतिक अनुभव की शुरुआत तो संगठन के काम से शुरू हुई है, पर लेकिन जब मैं विधायक बनी उसमें विधानसभा के अंदर मिलने वाली तमाम जिम्मेदारियां, लगभग विधानसभा की सभापति तालिका में, मतलब मैंने पहले सेशन में मैं सभापति बनती, अध्यक्ष की कुर्सी पर भी बैठी, मैं विभिन्न समितियों की सदस्य रही, फिर उसके बाद में कांग्रेस की राजनीति में मुझे सम्मानी कमलनाथ जी, सम्मानी दिग्विजय सिंह जी, सम्मानी श्री हरबंस सिंह जी, इन सब लोगों ने मुझे बहुत मदद की, सहयोग किया। मुझे दिग्विजय सिंह जी की सरकार में राज्य महिला आयोग में जगह मिली, काम करने की जगह मिली, राज्य मंत्री का दर्जा मिला, और उसके बाद फिर मुझे दिल्ली में सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड CSWB ये समाज कल्याण बोर्ड वो जगह है जहाँ मुझे ये पढ़ के आज भी पर गौरव होता है कि इंदिरा जी का भी नाम वहाँ के उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, कि पहले इसमें जो लोग हैं वो उन्होंने भी अपनी शुरुआती जीवन में वो कभी उसकी सदस्य रहे हैं, जिस जगह पर मुझे भी काम करने का मौका मिला। बहुत बड़ी बात है कि इंदिरा जी भी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के अपने उनके जीवन की शुरुआती समय पे कभी नहीं, पर हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि दिल्ली में सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड में मैं सदस्य रही, मैंने काम किया और वहाँ पर मुझे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी से, प्रतिभा पाटिल जी से मिलने का मौका मिला, CSWB के लोगों को वो चाय पर बुलाती थी, किसी मसले पर चर्चा कर रहे हम लोग या उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे या किसी ग्रीटिंग्स के लिए न्यू ईयर है, मतलब राष्ट्रपति भवन जैसी जगहों पर जाके बैठना, राष्ट्रपति के साथ में खड़े हो पाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी गौरव की बात होती है। वो तमाम स्मृतियाँ मेरे लिए बहुत गौरवशाली हैं, मुझे वो भी अनुभव मिले। फिर अभी भी कांग्रेस मुझे लगातार कुछ ना कुछ काम देती है, कभी भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं खाली हूँ, मुझे कोई ना कोई जगह, चाहे वो किसी जगह नगर पंचायत के चुनाव में ऑब्जर्वर बनने का काम हो या किसी जिले का प्रभारी बनने का काम हो विधानसभा के लिए या लोकसभा के लिए, फिर अभी जब प्रदेश के चुनाव में सम्माननीय कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुए और मैंने भी उनसे निवेदन किया कि सर मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ, मेरे लायक का कोई काम मुझे दीजिएगा, और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल किया और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपने अध्यक्ष वो हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनकी सचिव हूँ, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैं सचिव भी हूँ और जो भी काम मिलते हैं मैं उनको पूरी जिम्मेदारी और मेहनत के साथ करना चाहती हूँ, अच्छे रिजल्ट भी देना चाहती हूँ। कार्यकर्ताओं ने भी मुझे बहुत सम्मान और स्नेह दिया। बालाघाट का काम छोड़ के जब मैं मल्ला जा रही हूँ, मैंने बालाघाट के लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें मैंने उन सब लोगों को एक संदेश भी दिया कि मैं जितने दिन भी वहाँ रही आप लोगों के साथ आत्मीयता के साथ स्नेह और सम्मान इतना पाया कि मैं कभी भूल नहीं सकती। वहाँ के लोगों ने उसका व्हाट्सएप में इतना अच्छा रिप्लाई किया है मुझे कि मेरा भी मतलब मन ऐसा लगता है कि मैं उसको परिवार जैसा महसूस ग्रुप को अलाइव रखूँ, हाँ मैं उसको कभी डिलीट ना करूँ। लोकसभा चुनाव काफी करीब है और चूंकि आप बालाघाट जिले में प्रभारी भी रहे हैं,
और सीनी का लोकसभा भी बालाघाट पड़ता है जी। तो क्या आपकी दावेदारी होगी लोकसभा के लिए? ये तो बहुत दूर की बात है, पर लेकिन हाँ, पार्टी का आदेश है आंखों पे, मैं कभी भी पीछे नहीं हिचकती, मैं कोई भी चुनौती उसको स्वीकार करती। और हमारी सिवनी और बरघाट के आम कार्यकर्ता की भी ये मांग है कि हमेशा बालाघाट से प्रत्याशी आता है, कभी लोकल कैंडिडेट होने के नाते सिवनी को भी अगर भी मौका, क्योंकि देखिए हम तो इस बात से हमारा जिले भर का आम आदमी दुखी है कि सिवनी लोकसभा के नाम से अब लोकसभा के इतिहास में कोई नाम ही नहीं है, सिवनी लोकसभा का नाम रिकॉर्ड में ही नहीं है ये डिलिमिटेशन के बाद में, हमको बालाघाट लोकसभा के नाम से जाना जाता है। आप सिवनी जिले के निवासी हैं, आपके आधार कार्ड में सिवनी लिखा हुआ, पर आपकी कोई लोकसभा नहीं है, आपकी वहाँ आवाज पहुंच रही है, आप यहाँ के सांसद कितने बार आए, कितने सांसदों से आपकी मुलाकात हुई, जैसे आप और मैं रूबरू बैठे, यहाँ के आने पहले वाले सांसदों से कितनी बार आपको वक्त मिला मुलाकात का, उन्हें कितना समय दिया, तो ये एक अपेक्षा होती है। तो वहाँ के लोगों की अपेक्षाएं पूरी हो गई है, हमारी विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं, वहाँ से हमारे एक मंत्री हैं, बालाघाट जिले के पास में चिंता करने वाले चार विधायक हैं जिसमें से दो लोग कैबिनेट में शामिल हैं। अब सिवनी की भी कुछ दावेदारी हिस्सेदारी बंटवारे में सिर्फ मैं ही हूँ, जो भी योग्य व्यक्ति कोई भी ऐसे किसी व्यक्ति को मौका दे ताकि सिवनी का भी प्रतिनिधित्व हो, ऐसा मेरा मानना, अगर हो तो बहुत अच्छा। चूंकि काफी समय हो गया हमें बातचीत करते हुए और हमें हमारी बातचीत को भी खत्म करना है, बस आपसे एक आखिरी एक सवाल करूंगा कि वर्तमान राजनीति को देखते हुए जो युवा राजनीति की तरफ आ रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? चूंकि आपने मर्यादा का जिक्र किया तो मैं उसी संदर्भ में मेरा यह सवाल है। युवा का राजनीति में आना बहुत जरूरी और बहुत अच्छी बात, युवा जब तक राजनीति में नहीं आएगी तब तक राजनीति में जोश नहीं होगा, एक पीढ़ी जाने लगती तो दूसरी को उसको सहारा देने आगे आना पड़ता है, युवाओं के बगैर तो कोई भी पीढ़ी पूरी नहीं होती। पर राजनीति में आने का अर्थ रोजगार के हिसाब से न होना चाहिए, बल्कि जिस पार्टी से आप जुड़े हैं उसके इतिहास को पढ़िए। जो राजनीति में आना चाहते हैं मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहली चीज तो कि आप पढ़िए, आप उस पार्टी के उसूलों को पढ़िए, उसके सिद्धांत को पढ़िए, उसकी बुनियाद को पढ़िए, उसके सिद्धांतों पे तब तो आप काम कर पाएंगे। तो जो पुराने नेता हैं उनकी हिस्ट्री पढ़िए, अगर आपने पुराने नेताओं की हिस्ट्री पढ़ी ना जकरिया भाई, तो बड़ा दुख होता है कि आज का सोशल मीडिया का जो पेड मीडिया उनका, वो हमारे पुराने नेताओं के बलिदान को मिटा के तमाम सारे काम जो है उनको नेताओं के नाम पे बदनाम कर रहा है, उनको तमाम अच्छे कामों का क्रेडिट नहीं दे रहा, और ऐसे लोग जो उस समय मैदान से नदारद थे उनको सहरे पहनाए जा रहे हैं, ऐसे लोग जो देशद्रोही होना चाहते जिनकी कुर्सियों पे वो जाट बैठे हैं दिल्ली में, जिनकी जगह जेल में, कविता की दुनाई थी मुझे याद आ रही कि ऐसे लोग जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया वो आज कह रहे हैं कि सबसे बड़े देशभक्त वही थे, यानी ये तो उंगली कटा के शहीद बनने वाली बात है। तो जितने लोग वास्तव में शहीद हुए उनकी तो शहादत ही बेकार होगी, पर अगर हमारा राजनीति में आने वाला व्यक्ति राजनीति के इतिहास को पढ़ ले, देश के इतिहास को पढ़ ले, तो उसको आंखें खुल जाएंगी कि सच क्या है, झूठ क्या है, इसे पढ़ना जरूर चाहिए। वरना आज तो जो लोग हैं वो जो भी काम नहीं हो रहा तो उसका दोष दे देते हैं, अब ये हाल है, मतलब नेहरू जी को और पुराने नेताओं को जोश दोष दे देते हैं, वो होते तो ऐसा होता, वो होते तो ऐसा होता। जकरिया भाई मैं और आप 2 महीने से सोच रहे बैठेंगे, पर हम इसलिए नहीं बैठता क्योंकि नेहरू जी ने ऐसा नहीं बोल दिया। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि हम और आप 2 महीने से इसलिए नहीं मिले क्योंकि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि जकरिया भाई मुझसे मिले, ये क्या बात है, आप किसी भी बात का दोष दे रहे हैं। अब ये लोग जो बोलते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया हो रहा है देश में, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, तो ये फर्क हमें समझना तो चाहिए ना कि बोल क्या रहे हैं, वो क्या आ रहा है। तो राजनीति में इस बात को समझेंगे कोई फिर थोड़ा बहुत समझ के, पढ़ के, जान के, अनुभव भी उसी से मिलेगा। हाँ ये बात मैं जरूर मानती हूँ कि पहली बार में ही आदमी परिपक्व नहीं हो पाता, पर ठोकर लग के भी अगर संभल रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, और मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस की राजनीति में आज जो युवा हमारे साथ आ रहे हैं वो अच्छे लोग हैं, अच्छे युवा हैं, अच्छे मर्यादित परिवारों के लोग हैं, अच्छी सोच रखते हैं, और ऐसे ही लोगों के ऊपर विश्वास करेगी जनता,
तब अच्छे लोगों के ऊपर जब विश्वास करेगी जनता तब तो उनके साथ आएगी, जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं है आपसे कहे कि डाकुओं का काफिला जा रहा है आप अपने परिवार को इसके साथ साथ भेज दीजिए, आप ही भेजेंगे। तो ऐसा ही है कि इसलिए हम चाहते हैं राजनीति में जब अच्छे लोग होंगे तो जनता अपने आप साथ आएगी, जैसे अभी है हमारे मध्य प्रदेश में तब तो सरकार बनी। आप थी नेहा सिंह जी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव हैं और पूर्व विधायक हैं, हम उनसे चर्चा कर रहे थे देश और प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल है और जो मर्यादा का स्तर है वो, उस पर भी हमने बात की, राजनीतिक मर्यादा पुरानी राजनीति की भी हमने चर्चा की। हम फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।